देहरादून में मंत्रिमंडल बैठक कल यानी 14 मार्च को शाम पाँच बजे राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी सूत्रों की माने तो पिछली कैबिनेट में डीए के मुद्दे पर फैसला नहीं हुआ था और ऐसे में सरकार इस कैबिनेट में इसको लेकर फैसला ले सकती है वहीं यूसीसी को लेकर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है और ऐसे में राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव भी कैबिनेट के द्वारा दिया जा सकता है और उपाधीक्षक कनिष्ठ वेतनमान प्रदोन्नत कोटा के पदों पर प्रद्योन्नति के लिए सभी पोषक संवर्ग नागरिक पुलिस अभिसूचना और पीएससी के निरीक्षक दल नायकों को सम्मान अवसर दिए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को लेकर भी इस कैबिनेट में फैसला हो सकता है बता दे इस विषय पर पिछले कैबिनेट में चर्चा तो हुई थी लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ था वहीं केंद्र सरकार ने देश में सी लागू कर दिया है और ऐसे में धामी कैबिनेट इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दे सकती है